बसमलर रिम्स अलकम वरमि वर्क़ मज़दत सामिनी कराम प्रोग्राम ज्याच के साथ मोहम्मद अब करपीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है सामीनी कराम जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया के मशाख़ाम का तजकर करते हैं और आज भी हम एक ऐसी यजीम शख्सियत के हवाले से मुख्तर तस्करा करेंगे जिन्होंने सिलसिल आलिया चश्तिया का फ़ैज़ हज़रत ख़्जा हसन बसरी रजी अल्लाह से पाया और इस फैज़ को पूरी दुनिया में आम किया मेरी मुराद हजरत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद रजी अल्लाह तन नाजरीन कराम हजरत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद रजील् वो अज़ीम शख्सियत हैं जो अक्सर मुजाहिदे के साथ रहा करते थे और चालीस रोज़ के मुजाहिदे के बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तक की बरगाह में हाज़िर हुए और आपके दस्त्याग प्रस्त पर बैत हुए और हज़रत खाजा हसन बसरी रजी अल्ला तन से खरक खिलाफत पाया नाजरीन कराम इसी अजीम हस्ती के हवाले से आज हम गुफ्तु करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हजरत लामा डॉक्टर मोहम्मद नईम्दीन अलहज़री साहब। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब हजरत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद रजी अल्लाह तब की सीरत तय्यबा के हवाले से हमें कुछ आगा फरमाएँ बसमीम जनाब मोहम्मद अबू बकर पीरजादा साहब आज हम हजरत ख्वाजा वाहिद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हो का जिक्र जमील कर रहे हैं और आपने इंट्रो में बड़े अच्छे अंदाज़ में उनके बारे में चंद बुनियादी बातें फरमायी हैं तो हज़रत ख्वाजा अब्दुलवाद बिन जैद रज़ी अल्लाह तहो आप का ताल्लुक़ बसरा से है और आप हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तहु के तलामज़ा में से हैं और हज़रत इमाम ज़ाहबी ने सैर वालामबाला के अंदर आपका तस्करा करते हुए आपको शेख उब्बाद का लकब दिया है यानी आप आबिदीन के शेख और उनके उस्ताद थे यानी इबादत में बहुत बड़ा कमाल रखते थे और फिर उनको एक सूफ़ी और एक वाइज़ के तौर पे भी याद किया गया और ये भी एक बड़ी ख़ास बात है कि आपका शुमार रुवा हदीस में भी होता है यानी मुख्तल अपने उस से हदीस पाक को सीखा और फिर उसको भी हज़ू नबी रतल्ला वल्म की हदीस को रिवायत करने का शरफ भी उन्होंने हासिल किया और बादज़ कुतुब में उनका जो रकब है वो अबू उबैदा अल्बरी रज़ी अल्लाह तुम के नाम से भी जिक्र किया गया है इसी वजह से बाज़ किताबों में हज़रत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद की जब सवान नहीं मिलती तो उसे हज़रत अबू उबैदा बसरी के नाम से ढूँढा जाए तो फिर भी कुछ बातें उनके बारे में बुनियादी कुतुब से मिल जाती आपके इस के हाले से अगर हम बात करें तो आपके उस्ताद जो ख़ास तसवफ़ रुहानियत और तरीक़त में है वह तो हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसनी रज़ी अल्लाह तुह ही हैं लेकिन उसके साथ साथ आपके इसमें में से हज़रत इमाम वकी का नाम भी आता है जो हज़रत इमाम शाफी के भी उसद हैं और जिन बारे में मशहूर है कि शिकात अला वकीी इन्सुआ हिफजी फ अरशद अनी अला तरकिल्म आसी वखबरअनी बेलमूरवनूरलोत आसी यानी ये वही हज़रत इमाम वकी हैं जो हज़रत इमाम शाफी के भी उस्ताद हैं और हज़रत ख्वाजा वाहिद बिन जैद रजी अल्लाह तुम के भी उस्ताद इसी तरह आपके इस में से जलील ताबी हज़रत अता बिन अबी रबाह का नाम भी आता है और उसके साथ साथ मोहम्मद बिन सब्बाक और अबू सुनान अदारानी भी आपके हदीस पाक के अंदर उस में से हैं और फिर ये भी देखिए कि हज़रत ख्वाजा अब्दुलवािद बिन जैद को तसवुफ़ के साथ साथ फ़िक के अंदर भी बड़ा शगफ़ था और आप हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रजी अल्लाह के तलामज़ा में से भी हैं यानी उनसे भी सीखा और उनके हल्का दर्स के अंदर भी बैठे और मुख्तलिफ़िया के ऊपर ख़ास किस्म की कोई एक छाप होती है और एक ख़ास उनकी नस्बत होती है तो जैसा कि आपने फ़रमाया तो ख़्वाजा अब्दुलवाद बिन जैद रज़ी अल्लाह तनों को जोद की नस्बत हासिल हुई तरक दुनिया की नस्बत हासिल हुई और दुनिया से दूर चले जाना और खलबत में बैठ के अल्लाह को याद करना और कशी करना अदीस पाक में आया है कि हु बेबाखला सरकार दोआलम सल्हम को भी एलान नबूबत से पहले खलवत के साथ मुहब्बत आपके दिल में पैदा कर दी गई और आप गाराम तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर तवील खलबत करते अल्लाह का जिक्र करते फिर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं पहले तन्हाई की नागन डस्ती है बरसों वाँ वाँ। फिर जाकर दिल के आंगन में मेला लगता है तो ये खलवत जरूरी है तन्हाई जरूरी है इकबाल कहते हैं शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो तो हजरत ख्वाजा अब्दुलवाद रजी अल्लाह तु को जो हज़रत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह तन की सोहबत नसीब हुई तो उनके दिल में भी खलबत और तन्हाई में बैठ के अल्लाह करने का शौक़ पैदा हुआ और फिर उन्होंने एक तवील चिल्ला लगाया और चालीस दिन तक इबादत करने के बाद फिर अपने उसताद गिरामी हज़रत ख़्वाजा इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह तुके पास आए और बैत की और फिर आपको खिरका खिलाफत नसीब हुआ और आपको रूहानी फ्यूज़ा जो है वह आपकी जोली में डाले गए और आपके जाहिर व को तसवफ़ की रोशन तलीमा से मुनमर होने का शरफ नसीब हुआ डॉक्टर साहब माशा बड़ी ही खूबसूरत इब्तायी गफ्तु आपने हजरत ख्वाजा अब्दुलवाद बिन जैद रजील्ला तवे से फरमाई है डॉक्टर साहब हजरत ख्वाजा अब्दुलवाद बिन जैद रजी अल्लाह तु आप सैर व्यात के हवाले से भी काफ़ी मारूफ है और आपकी सैर व्याहत व करामात के हवाले से भी हमें कुछ आगाह फरमाएँ जी बिल्कुल हाशमी साहब ये जो सयाहत है और सैर करना है ये तो इज़्ज़त ने कुरान में हुम भी दिया कि कुलसी रू फिलर्थ फ़न झरू कई फकाना आके बतुलमकज़मीन के ज़मीन में सैर सियाहत करो और देखो जिन पे अज़ आया उनकी उस देख के इबरत हासिल करो और अल्लाह के वलियों के मकाम देख के अल्लाह का शुक्र करो तो सियाहत के इस हुक्म पर ख़ास पर ख़्वाजा अब्दुलवाद बिन जैद ने अमल किया और बगदाद इराक़ मक्का मदीना हरमैन शरीफे और दीगर जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो सका उन्होंने सियाहत फ़रमाई और ज़्यादा जंगलों में गारों में पहाड़ों में अल्लाह अल्ला करते रहे और चिल्लाकशी की और जोहदो इबादत और तरक दुनिया की सफ़त से वह मुतसफ़ हुए और जिक्र में उनकी कैफ़ियत ऐसी थी जैसे अल्लाह रबुल्जत ने कुरान में अरसाद फ़रमायाज़ कराम वूदन व अला जुनूब हिम व य तफ़क्रू नफ़ी खलकम रम बना मा खल तबातिला सुबह न फ़िकना जनार यानी अल्लाह के बंदों की निशानी यह है कि वो उठते बैठते और अपने पहलुओं के ऊपर अल्लाह रब्ज़त को याद करते हैं और ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर फिक्र करते हैं और फिर ज़ुबान हाल से पुकार उठते हैं या अल्ला तू ने इस काइनात को बातिल पैदा नहीं किया बल्कि ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है यही अजरत ख्वाजा अब्दुलवाहिद बिन जैद की रोशन तालीबात और ज़िंदगी हैं कि आप सियाहत में भी अल्लाह को याद करते हैं और फिर करामात के हवाले से कभी सियाहत के दौरान एक दुर्वेशों की जमात में पहुँचे उनकी सीत सीरत में मजकूर है तो जो दुर्वेश थे उन्होंने देखा अल्लाह का बंदा आ गया तो कहने लगे जनाब हमारे लिए दुआ फरमाया हम भूखे हैं तो हमें कोई चीज़ मिल जाए तो आपने फरमाया कि बताओ क्या खाना चाहते हो तो कहने लगे कोई मीठी चीज़ हम खाना चाहते हैं तो फरमाया कि मीठी चीज़ खाना चाहते हैं तो आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा तो दीनारों की बारिश जो सोने के दीनार हैं वो आसमान से होने लगी और ये करामत आपकी जाहिर हुई तो आपने उन दुरवेशों से कहा कि जितनी जितने पैसों से मीठी चीज़ तैयार हो जाए सिर्फ़ वो उठा लो बाकी नहीं उठाने क्योंकि तरक दुनिया की तालीम भी है तो वो चंद दीनार लिए उससे वो मीठी चीज़ तैयार हुई तो जब आपको कहा गया कि आप भी खाएं तो आपने कहा कि मैं अपनी करामत बेच के खाने वाला नहीं हूँ और इससे मैं रिज्क हासिल नहीं करता मुझे मेरा रब अता करता है तो वो जो सूफिया के अंदर एक गैरत होती है और एक जज्बा खुद हब्ब ख़ुदाबंदी का होता है उसका इजहार भी आपने फ़रमाया और फिर आशमी साहब ख़ास तौर पर आपकी इबादत के हवाले से मजकूर है कि नमाजों की पाबंदी तहजद नवाफिल और तमाम तर शायर इस्लाम की पाबंदी में ये जो सूफ़िया कराम के बारे में कहा जाता है कि नहीं जनाब यह तो तारकदनिया होते हैं और ये नमाज भी नहीं पढ़ते ये गलत परसपन है और बिल्कुल एक गलत मफरूज़ा है और सूफी वही होता है जो हज़ू सल अल्ह की शरीय पर कारबंद हो सुनत रसूल सल असलम पर चलने वाला हो इसी वजह से हम देखते हैं कि हज़रत खाजा अब्दुलवाद बिन जैद के बारे में उनके सवाना नगारों ने लिखा है कि आखिरी उम्र में जब बहुत लागर हो गए और चलना फिरना भी दुशवार हो गया तो आपका ख़ाद उस हालत में भी आपको वज़ू करवाता और आप नमाज पढ़ते एक दिन वह खाद मौजूद नहीं था तो वज़ू भी करना चाह रहे थे नमाज भी पढ़नी थी तो रो के अल्लाह ताली की बारगाह में अर्ज़ की या अल्लाह मैं इस कदर कमज़ोर हो गया कि आप वज़ू भी नहीं कर सकता मुझे थोड़ी सी कुत दे के मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ फिर जो तेरी मर्ज़ी है मेरे ऊपर वो कर तो अल्लाह ने क़वत दी उठे वज़ू किया नमाज़ पूरे खुशबू व खजू से अदा की और फिर उसके बाद उन पर वही मर्ज़ की कैफियत जो है वो तारी हो गई तो सायम और कायमार शख्सियत और तीन तीन दिन मुसलसल रोजा रख के फिर अफतार करने वाली शख्सियत जिन्होंने तस्वुफ़ के अंदर अली मिसाल कायम की सत्ताईस सफ़रलम को आपका योम विसाल है रब्बुल रब्त की बारगाह में हाजिर हुए और बसरा के अंदर ही आपका मज़ार पुरनवार बनाया गया जो मर जाए खास वाम है और आपकी तलीमत रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी और लोग उनसे रोशनी हासिल करते रहेंगे माशाला नाजरीन आज हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद रजी अल्लाह के हवाले से हमने इस प्रोग्राम में मुख्तसर तज़किरा किया जो कि सिलसिला आलिया चिश्तिया के तीसरे बड़े इमाम हैं और आइंदा प्रोग्राम में इन शाह हम हज़रत ख्वाजा फ़ज़ैल इबिनयाज़ रजी अल्लाह तहों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़